हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो लीड एसिड 4 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी होता है वो कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये चार्ज करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा। यह है डायोड 1N4007 और यह है एक एलईडी और एक 100 ओम्स का रेजिस्टर। यह है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग सॉकेट। ये ऐसा बाजार में मिलता है जिसमें से आप अपना फ़ोन का माइक्रो यूएसबी यूज़ करके किसी भी चीज़ चार्ज कर सकते हैं। ऐसा होता है ये। और ये सब है बैटरी। आप छोटा बड़ा चाहे 300 mAh या 1 A का बैटरी भी इससे चार्ज कर सकते हैं। अभी हम लोग माइक्रो यूएसबी का पॉजिटिव और नेगेटिव ये लिखा हुआ नहीं रहता, ये आप मल्टीमीटर से देख सकते हैं, नहीं तो एक एलईडी में एक रेजिस्टेंस 1K का लगा के ऐसा करके चेक कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और नहीं तो मीटर से भी आप इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर सकते हैं। हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके तार लाल और काला यहाँ पे सोल्डर कर दिए हैं। वैसे बैटरी ले लेंगे। बैटरी लेके जो डायोड का पॉजिटिव साइड है जिस दिख में दाग रहता है वो पॉजिटिव साइड बैटरी का पॉजिटिव में सोल्डर कर देंगे। अभी देखिए बैटरी का पॉजिटिव में कर दिए हैं सोल्डर। अभी जो चार्जिंग सॉकेट था उसका जो माइनस है वो बैटरी का माइनस में और पॉजिटिव डायोड का माइनस में सोल्डर कर लेंगे। ये सोल्डर हो गया है। अभी हम लोग एलईडी लगाएंगे। पहले ये रेजिस्टेंस और एलईडी सोल्डर कर लेंगे 100 ओम्स का रेजिस्टेंस। अभी हम एलईडी का पॉजिटिव पिन में रेजिस्टेंस सोल्डर कर लिए हैं। अभी एलईडी का जो नेगेटिव पिन है छोटा वाला पिन है वो बैटरी का नेगेटिव पिन में सोल्डर कर लेंगे, और जिस साइड रेजिस्टेंस है एलईडी का पॉजिटिव पिन वही रेजिस्टेंस हम लोग जो लाल तार है चार्जिंग सॉकेट का वहाँ पे सोल्डर कर देंगे। देखिए ये हो गया है, लेकिन एलईडी अभी नहीं जल रहा है। जब हम लोग चार्ज करेंगे ये चार्जिंग सॉकेट में, जब हम लोग कोई मोबाइल चार्जर लगाएंगे, देख सकते हैं ये इंडिकेट कर रहा है, तो जब आप चार्ज नहीं दीजिएगा तो एलईडी नहीं जलेगा, जब आप चार्ज दीजिएगा तो एलईडी जलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।